फ्रेंड्स इसमें दिया गया है मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, कोई मैन है जो नॉर्थ ईस्ट, अब ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो मैन नॉर्थ ईस्ट जाने की ये हुई आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में देख रहा है। ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फाइनली ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स 90 क्लॉक है, 90 क्लॉक है, यानी कि 90 क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों ऐड हो जाएंगे तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज बनेगा, और थर्ड है 180 डिग्री एंटी क्लॉक। तो फ्रेंड्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों ऑपोजिट होंगे तो माइनस होंगे, यानी कि जीरो आ गया आपका आंसर, जहां पे वो था वहीं पे रहा। तो राइट आंसर सेम रहेगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। फ्रेंड्स ये थी आपकी टाइप सेकंड एंगल बेस्ड, अब हम करेंगे टाइप थर्ड शैडो बेस्ड। फ्रेंड्स टाइप थर्ड शैडो बेस्ड, शैडो बेस्ड टाइप में सन का कंसेप्ट बड़ा मायने रखता है। फ्रेंड्स जहां तो बात होगी क्वेश्चन में मॉर्निंग की या इवनिंग की, अगर होगी बात मॉर्निंग की तो सन राइज होगा ईस्ट से। फ्रेंड्स सन राइज होगा ईस्ट से, अगर कोई पर्सन नॉर्थ देख रहा है कोई दूसरा साउथ देख रहा है, तो नॉर्थ का लेफ्ट होगा और इसका राइट होगा, यानी कि शैडो इसके लेफ्ट में पड़ेगी और इसके राइट में। सेम फ्रेंड्स अगर बात होगी इवनिंग की शाम की, तो सन सेट होगा वेस्ट में, ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, सन राइज ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो सन सेट होगा वेस्ट में। तो फ्रेंड्स इसका जे राइट होगा जे लेफ्ट होगा, इसका जे लेफ्ट होगा जे राइट होगा। तो फ्रेंड्स जब सन सेट हो रहा होगा तो इसकी शैडो राइट में पड़ेगी, इसकी लेफ्ट में पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स एग्जांपल के साथ चलते हैं। इसमें लिखा गया है वन अर्ली मॉर्निंग, सुबह की बात है, ए एंड बी स्टैंडिंग बैक टू बैक, ए और बी एक दूसरे की तरफ कमर करके खड़े हैं, यानी कि ये ए है, ए और बी दो पर्सन है, हमें ये नहीं पता ए कौन है बी कौन है, लेकिन इतना दिया है कि बैक टू बैक खड़े हैं, यानी कि एक इस तरफ देख रहा है तो दूसरा इस तरफ। वन अर्ली मॉर्निंग, सुबह की बात है तो सन राइज होगा इन द ईस्ट डायरेक्शन, इस तरफ होगा तो इसके लेफ्ट में शैडो पड़ेगी, इसके राइट में। फ्रेंड्स अब बोला है द शैडो ऑफ ए फॉल्स एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, ए की शैडो उसके लेफ्ट में पड़ रही है। फ्रेंड्स अब लेफ्ट में पड़ रही है इस वाले की, यानी कि ये ए हुआ तो फिर ये बी होगा। फाइंड द डायरेक्शन इन विच बी इज फेसिंग, तो बी किस तरफ देख रहा है, अब ये फ्रेंड्स डायरेक्शन ये होती है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो बी किस तरफ देख रहा है, साउथ डायरेक्शन में, तो राइट आंसर होगा साउथ डायरेक्शन। चलिए फ्रेंड्स और एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें दिया गया है इन एन इवनिंग, शाम की बात है, ए एंड बी वर स्टैंडिंग बैक टू बैक, ए और बी बैक टू बैक खड़े हैं, शाम की बात है तो सन सेट होगा वेस्ट डायरेक्शन में, इसके राइट में शैडो पड़ेगी, इसके लेफ्ट में। तो फ्रेंड्स ए एंड बी वर स्टैंडिंग बैक टू बैक, द शैडो ऑफ ए फॉल्स एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, ए की शैडो बिल्कुल उसके लेफ्ट तरफ पड़ रही है, अब लेफ्ट में इसकी पड़ रही है, यानी कि ये ए हुआ और ये बी होगा। तो फ्रेंड्स फाइंड द डायरेक्शन इन विच बी इज फेसिंग, डायरेक्शन बतानी है कि बी किस तरफ देख रहा है, तो फ्रेंड्स बी देख रहा है नॉर्थ, तो राइट आंसर होगा नॉर्थ। नेक्स्ट में दिया गया है वन अर्ली मॉर्निंग, सुबह की बात है, तो फ्रेंड्स सुबह की बात है तो सन राइज होगा इन ईस्ट में, ए एंड बी वर स्टैंडिंग फेस टू फेस, ए और बी एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, द शैडो ऑफ ए
फ्रेंड्स अब फेस टू फेस खड़े हैं तो इसका ये लेफ्ट होगा, इसका ये राइट होगा, यानी कि इसके राइट में शैडो पड़ेगी और इसके लेफ्ट में। ए एंड बी वर स्टैंडिंग फेस टू फेस, द शैडो ऑफ ए फॉल्स एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट। ए की शैडो उसके लेफ्ट में पड़ रही है, अब लेफ्ट में इसकी पड़ रही है, यानी कि ये ए हुआ और ये बी होगा। फाइंड द डायरेक्शन इन विच बी इज फेसिंग, तो बी किस तरफ देख रहा है फ्रेंड्स, बी देख रहा है नीचे को, यानी कि साउथ। फ्रेंड्स राइट आंसर होगा साउथ। इसी के साथ फ्रेंड्स आपकी टाइप थर्ड शैडो बेस्ड खत्म हो रही है और इसी के साथ समाप्त हो रहा है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सॉरी फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।